नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और क्रिकेट 24 की करियर मोड के फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन पे हम लोग तैयार हैं करियर मोड पे क्लिक करने के लिए। और हाँ, एक बार फिर मैं अपना खुद के फेस पर से कैरेक्टर बनाऊंगा, खुद ही बनाऊंगा, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह का बन के आता है। एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से यार, जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक भाई जरूर से करना। ऐसा ना हो कि भाई रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो जाए, इस कारण से अच्छा खासा जो गेम प्ले सीरीज है वो फिर डिले होता जाए, तो एटलीस्ट इतना जरूर कर देना। बाकी न्यू मैन्स करियर, लेट्स गो, वेलकम टू द करियर मोड। यहाँ पे कुछ पॉपअप्स आ रहे हैं, डिफिकल्टी आ रही है यहाँ पे, सिलेक्टिंग डिफिकल्टी, ठीक है, मैं इजी रख रहा हूँ, ये इनेबल्ड रख रहा हूँ, मतलब कि आप अपने मैच को स्किप कर सकते हो या फिर नहीं वो है। उसके बाद दो सेक्शन पूछ रहा है कि आपको स्टोरी मोड एक्सपीरियंस करना है क्रिकेट 24 का, या फिर आप चाहते हो कोई ऑलरेडी प्लेयर है जो ऑलरेडी खेल रहा है उस टीम में से, उसको आपको बनाना है, मतलब जो ऑलरेडी स्टार बन चुके हैं। बट आई थिंक आई विल गो विद द करियर स्टोरी। यहाँ पे हमारे नाम पूछ रहे हैं, मैं सारी डिटेल डाल दे रहा हूँ, फिर दिखाता हूँ अगली स्क्रीन पे क्या है। तो एक बार सारी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। फर्स्ट नेम संगीत, सरनेम और राउंडर भूमिका में हम लोग खेलेंगे, ताकि बैटिंग वॉलिंग एटलीस्ट दोनों मौका रहे हमारे पास। टॉप ऑर्डर बैटिंग पोजीशन मेरी रहेगी, मैं ओपनर नहीं बनना चाहता, मैं टेल एंडर भी नहीं बनना चाहता, प्लस ऑलराउंडर हूं, टॉप ऑर्डर परफेक्ट है। बॉलिंग आर्म राइट रहेगा, बैटिंग लेफ्ट रहेगा, जैसा रियल लाइफ में। सबमिट किया मैंने ये फॉर्म कि भाई हम इंटरेस्टेड हैं, और यहाँ पे हमारा जो है वो करियर स्क्रीन आ चुका है जहां पे हम अपना खुद का कैरेक्टर बनाएंगे। अब भाई देखो, यहाँ पर भी कुछ चीजें मैं चेंज कर रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ एक्जेक्टली क्या हुआ है। यहाँ पे मेरा बैटिंग स्टाइल रहेगा 5, मेरा बॉलिंग स्टाइल रहेगा, बॉलिंग स्टाइल मेरा रहेगा 17 नंबर, शट नंबर रहेगा मेरा, आई थिंक जो लोग भी हमारे चैनल पे पहले से उनको पता है, 19। शट पे नाम रहेगा मेरा संगीत, और कमेंट्री नेम शुक्ला ऑलरेडी इस गेम में है, तो मजा आ गया भाई कि शुक्ला नाम ऑलरेडी इस गेम में है, एक्स दबाने पे ऑटोमेटिक मैच कर ले रहा है। मेरी वॉइस रहेगी हमारे नीरज चोपड़ा वाली, जो कुछ ऐसी है, एक मिनट, एक्सटर्नल साउंड में ऑफ रखूंगा। अब आ जाते हैं अपीयरेंस के ऊपर, जहां पे हमारा लुक जो है वो बनने वाला है। भाई ये अच्छा खासा मेहनत वाला पोर्शन है, तो भैया अभी आपके सामने एक नया करेक्टर आने वाला है, तो प्लीज बता देना वो मेरे जैसा लग रहा है कि नहीं। प्लस मैं बना रहा हूं, तो भाई ऑब्वियसली बात है मैं प्रो नहीं हूं। अगर मुझे लगा कि आप लोगों को भी सिखाना है कि कैसे बनाना है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे है। बाकी अभी के लिए देखते हैं कि कैसा बन के आता है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं स्किप कर रहा हूँ सीधा कैरेक्टर बनने के बाद का भाग दिखाता हूँ। तो फाइनली कुछ मिनटों की और एक्चुअली कुछ घंटों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा चेहरा आया। मैं इससे पहले 3 चेहरे बना चुका हूँ। दिक्कत ये है कि जब तक आप इसको सेव नहीं करते ना, और अगर सेव कर भी लेते तो इसको आप सेकंड टाइम यूज नहीं कर सकते, मतलब रीसेट करके। तो फाइनली मैं जो जिस फेस के साथ जा रहा हूँ वो कुछ ऐसा लगता है, जूम इन जूम आउट में आप देख सकते हो। बाकी बॉडी वॉडी मैंने पूरा रियल बनाने की कोशिश की, चेहरा आप मैच करा लो भाई मेरा और किधर है स्क्रीन पे जो है वो। अब इक्विपमेंट की बात आती है, तो भाई मैं तो पहले से प्रिपेयर होके आया हूँ कि मैं बास वैम्पायर का बैट दूंगा। लास्ट टाइम मे बी अलग हो गया होगा अपने आप अपडेट्स आने के कारण, बट अभी मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ, ठीक है भाई। बैटिंग ग्लव्स की बात आ रही, तो हाँ बैटिंग ग्लव्स मैं टीम बैटिंग ग्लव्स यूज नहीं करूंगा इस गेम में, डेफिनेटली कुछ नए ग्लव्स आए हैं वो मैं ट्राई करना चाहूंगा, और मैं रेड कलर के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि रियल में मेरे पास रेड कलर का था ग्लव्स, मैंने कुछ वीडियोस में दिखाया भी है। तो 28 नंबर का ग्लव्स रेड थीम वाला है, उसके अलावा ये वाला भी है 23, ठीक है, और ये वाला एग्जैक्ट अराउंड मेरे पास ऐसा ही था, उसके अंदर भी ऐसे 2-3 ग्रिप वाले हिस्से थे, 18 नंबर वाला। ओ ये क्लासिक भाई, ये मैं ले रहा हूँ, लोगोज आप ऐड कर सकते हो, वो मैं करूंगा नहीं, विकेट कीपर मैं हूं नहीं, तो इसमें कुछ ज्यादा चेंज करने को रहता नहीं है। बाकी चीजें मैं टीम इक्विपमेंट के साथ जा रहा हूं, और फाइनली मेरा कैरेक्टर जो है वो रेडी टू प्ले हो चुका है। अगली स्क्रीन पे हम करेंगे कंफर्म, और आ रहा है सिलेक्शन की आपको टीम कौन सी चुननी है। तो मैं तो भाई क्लियर ही हूँ, हम तो टीम इंडिया ही चुनेंगे, मतलब इंडिया चुन रहे हैं, और भाई मैं गुजरात ही चुन रहा हूँ। मेरे को अगर गुजरात ना चुनना हो ना, तो मैं उत्तर प्रदेश चुनूंगा। चलो मैं एक बार उत्तर प्रदेश में ऑप्शन देखता हूँ, उत्तर प्रदेश तो होगा ही भाई, इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, तो मैं या तो यूपी चुन सकता हूँ या तो फिर गुजरात चुन सकता हूँ, यही दो स्टेट के साथ मैं कनेक्टेड हूँ डायरेक्टली, बाकी सब स्टेट के साथ भी हैं, बट ये दो के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ गुजरात के साथ ही, एक बार फिर अहमदाबाद को हम चुनेंगे यहाँ पर हमारी होम सिटी के रूप में, और एक्सीलेंट द फैसिलिटीज देयर विल बी। मेरे को कॉल आया है, ठीक है मैं आ रहा हूँ भाई आपके साथ मिलने, ठीक है। अब हमने गुजरात चुन लिया, अहमदाबाद चुन लिया, उसमें भी टीम है, अहमदाबाद तो है ही ब्लू कलर की टीम, लातूर है, कंजुमर्ग है, जयपुर है, राजकोट है, मैं बैक कर सकता हूँ, ठीक है, बैक करने पे ये पूरा ही एग्जिट हो जाता है, तो भाई आप बैक नहीं कर सकते, ठीक है मैं अहमदाबाद ही चुनूंगा भाई, मेरा ही लोकल सिटी है, तो लेट्स गो।
हमने अहमदाबाद चुन लिया है। कैमरा एंगल भाई यहाँ अच्छा था, मतलब स्क्रीन के लेफ्ट में कि राइट में बता देना। हमारे कोच साहब आ गए, वेलकम कर रहे हैं। आई वॉज टोल्ड दैट यू डिड बी ड्रॉपिंग बाय। हाँ मैं आने वाला था, इनको पता था। और ठीक है, अचानक थोड़ा सा समय से पहले आ गया मैं यहाँ पर। ठीक है, ये जानना चाहते हैं तुम एज अ प्लेयर क्या हो। मैं एज अ प्लेयर क्या हूँ, बिग हिटर हूँ, स्टडी बिल्डर हूँ, शॉट मेकर हूँ। शॉट मेकर ज्यादा अच्छा लग रहा है। बॉलिंग में मैं स्विंग के साथ जा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी ज्यादा बेहतर है तो कंसिस्टेंसी। शॉट मेकर के अलावा फोकस्ड के ऑप्शन है। ठीक है, व्हेन बॉलिंग आई एम हैप्पी टू सैक्रिफाइस स्पीड फॉर कीपिंग इट कॉन्स्टेंट। एक्चुअली फोकस भी बहुत जबरदस्त है, बाकी आप सबके मतलब समझ ही जाओगे। बट मेरे हिसाब से मैंने जो चुना था पहले शॉट मेकर, ये काफी रियल साउंड करता है। कंसिस्टेंसी बॉलिंग में परफेक्ट है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। कुछ और सवाल जवाब होने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एबिलिटीज टीम के लिए बहुत काम की है। ओके, इफ आई डिड नॉट हेल्प यू वर्क थ्रू योर वीकनेस, व्हाट पार्ट्स ऑफ गेम। अच्छा ठीक है, किस चीज से हम लोग अभी तक खुश नहीं है, मेरी वीकनेस क्या है बॉलिंग में, बैटिंग में और बॉलिंग में। स्पिन है, बैलेंस रखना ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से। कंट्रोल ऑप्शन आ रहा है, बैलेंस ज्यादा सही है क्योंकि बैलेंस को ही मैं बैलेंस कर दूंगा तो ठीक है। मतलब हर डिपार्टमेंट में थोड़ी बहुत गलतियां करूंगा तो जल्दी आउट हो जाऊंगा, ये मेरे हिसाब से ठीक रखा है मैंने। बॉलिंग में एक्यूरेसी आ रहा है, बैलेंस इसमें भी मैं बैलेंस रख रहा हूँ। बाकी कोई डिपार्टमेंट रखूंगा ना तो वो स्पेशली मेरा कम हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता यहाँ पर। ठीक है, अभी कैसी फीलिंग हो रही है। ठीक है, आई एम फोकस्ड ऑन माई एजिलिटी, मूविंग वेल, आई एम फास्ट, आई जस्ट कांट रन ऑल अराउंड। ठीक है, आई फील लाइक आई कुड रन ऑल डे, just maybe not a sprint that fast. I think I am in good all round shape, not outstanding anything. ठीक है, मैं ये चुन रहा हूँ, अगर मेरे को इच्छा होगी तो मैं पूरे दिन दौड़ सकता हूँ, लेकिन स्प्रिंट मार के नहीं दौड़ सकता मैं। ठीक है, योर स्टेमिना टेल्स मी दैट यू डिड बी बेस्ट इन द आउटफील्ड, डू यू हैव द पेशेंस टू गिव। ये आपको बता दूं ये क्यों पूछा था, ये हमारी फील्डिंग के लिए पूछा था। अब मैं फील्डिंग में है ना, उसके बाहर रहने वाला हूँ। अभी मेरे से फेवरेट फील्डिंग पोजिशन पूछ रहे हैं। मैं पहले तो भाई नजदीक रहूंगा क्लोज, सेकंड पोजीशन मेरी रहेगी स्लिप्स गली है, मैं नजदीक ही रहना चाहता हूँ यार्ड के अंदर, विकेट कीपर नहीं, मिड ऑफ डाउन ठीक रहेगा। और क्लोज रख दे रहा हूँ तीसरा पोजीशन, नहीं पर एक जैसा मत रख यार, गली रख देते हैं यहाँ पर। ओके लेट्स गो। बातचीत और भी कुछ हुई है, समझ नहीं आ रहा माइक ऑन है कि मैं बहरा हो गया हूँ भाई इस वक्त। थोड़े बहुत डायलॉग तो देने दे भाई इनको, डेवलपर्स को। 200 दिनों के बाद भाई, 200 दिनों के बाद हमारा फर्स्ट मैच आने वाला है यहाँ पे। बाकी स्क्रीन लगभग सेम ही है पूरी की पूरी। वी आर रेडी फॉर अवर फर्स्ट मैच, राजकोट वर्सेस अहमदाबाद, वेस्ट इंडीज चैंपियनशिप राउंड वन। और हाँ, अभी मैं भाई कुछ भी नहीं हूँ, ओनली एज अ प्लेयर खेल रहा हूँ, तो ज्यादा कुछ मैं चीजें बदल नहीं सकता। हमारी आदत हो गई क्रिकेट 22 करियर मोड खेल के कि भाई हम भी टीम डिसाइड करेंगे, हम ही टॉस करेंगे, इसमें सब जीरो से शुरू है। ठीक है, मैदान आ गया है यहाँ पे लोकल वाला, अहमदाबाद राजकोट का ओवल मैदान है। ऐसा रियल में मैदान नहीं, अरे यार प्लेइंग 11 देखनी थी रह गई, चलो कोई नहीं, टॉस के एंड में देखते हैं कौन जीतता है अभी। राजकोट वन द टॉस, डे वन हार्ड ड्राई, कोई क्रैक नहीं है पिच पे। बैटिंग का फैसला मतलब हमारा सेकंड इनिंग रन चेंज होगा। मेरे को बैटिंग में कौन सा नंबर रखा है, एक्चुअली मेरी बॉलिंग आ गई। अरे यार मैं ऐसा लग रहा हूँ भाई, ऐसा लग रहा हूँ रियल में भी। ठीक है, फर्स्ट बॉल 18 क्यों दिया नंबर, मेरे को 19 चाहिए भाई। और शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं सामने, नौ बॉल पहली गेंद करियर की, क्या सही में नहीं पता नहीं काइन है। मैं तो ठाकुर पे मेरा ध्यान चला गया है कि शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, नहीं नौ बॉल नहीं है बट एश ठाकुर तो है। बॉलिंग एक्शन आप मैच कर लो भाई, मैं तो अभी वही देखने में व्यस्त हो जाऊँ। कहाँ पिच करा रही है, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद एंगल में डाली थी लेफ्ट हैंडेड को, मजा आ गया। बॉलिंग एक्शन की तो कुछ इस तरह का है, मैं ब्रेटली वाला चाहता था, अब आप लोग बता दो ये ब्रेटली जैसा है कि नहीं। अली ओवर काफी अच्छी रही थी, एक रन की, नया ओवर काफी क्लोज मामला बट विकेट नहीं। कहने के लिए राजकोट के पीछे बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है। और फाइनली लॉफ्टेड शॉट, चौका पड़ा हमें, थोड़ा सा आगे रखा है इस बार, बीट बहुत जल्दी खेल गए। अब यही विकेट में कन्वर्ट हो तो मजा आएगी। एक बार फिर काफी क्लोज, दो बार काफी क्लोज मामले, तीसरा बड़ा, अरे यार कैच 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 कैच, अरे रोको यार, बहुत गंदी वाली, दो चौके ओवर से 23-22। ओ कैसे बच सकता है ये, वन डाउन आया हूं मैं। ठीक है जी, क्या करते हैं हम लोग, सबसे बड़ी दिक्कत थी कैमरा एंगल की, अभी ठीक लग रही है। प्रो कैम रनिंग रखी है मैंने, पहली गेंद और चार रन से खाता खुला है भाई हमारे इस डोमेस्टिक करियर का। क्रिकेट 24 की फर्स्ट बॉल 4 रन, 20 ओवर्स मैच है ध्यान रखना है।
बांस वैम्पायर के बैट से अच्छा खासा भूत बनाने की इच्छा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इजी फील्डिंग कैप मिलते हुए 4 रन स्क्वायर लेग फ्लिक। यहाँ पे इस तरह से बैटिंग कर लेंगे तो भाई जीत से ही शुरुआत होगी हमारे इस करियर मोड की। सामने कॉम्स आए हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, इनको तो मैं स्क्वायर कट। कितना खूबसूरत भाई, ये कैमरा मोड भी काफी अंडर एस्टिमेट था भाई, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लग रहा है मुझे रनिंग में कैमरा प्रो कैम मोड। बढ़िया स्क्वायर कट भाई, मजा आ गया देख के। 3 गेंदे, 3 चौके, लॉफ्टेड शॉट, ये मेरे को दूसरे से ही ले लिया था पहला लगने के बाद ही। चलो भैया 4 चौकों से कॉम्स की हालत बिगाड़ दी हमने। कॉम्स जनरली बालों को सुधारता है बट यहाँ पर बॉलों को बिगाड़ रहा है। अपनी गलती से समझे हैं, फील्डिंग बदली है बट क्या तब तक बहुत देर हो गई है। जवाब मेरे ख्याल से हाँ का होगा। और बता दूं हम इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, वो मैदान अलग रहता है, ये मैदान अलग है। 3 रन ले रहे हैं, रनिंग ठीक है, नॉन स्ट्राइकर पे है। अब मजा आएगी, स्पिनर आया है। स्ट्रेट शॉट, वापस 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 वापस, बच्ची कुची का सर साइड चेंज कर दिया, ऊपर से एक्शन बहुत ही ज्यादा यूनिक। बढ़िया फील्डिंग अपने ही बॉलिंग में करते हुए प्रधान गेंदबाजी करने। लॉफ्टेड पे अभी ज्यादा फोकस है नहीं, और फिर रुक गया यार, दो पे दो बार डॉट, ओवर मस जा रहा है बॉलिंग टीम के लिए। स्ट्रेट शॉट जो बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, वो देखो रिएक्शन देखो फील्डर का, पक्के कारण ये रन आया, नहीं तो आते नहीं। 2 मैक्स थे, हमने 3 से 4 ले लिए हैं। और भाई तुम्हारे नजदीक से निकाल ले गया 4। इंडियन महाराज इस वक्त गेंदबाजी में, लेग स्पिनर, वो ये कितना, ये क्या रिएक्शन दे रहा है गेम। अरे यार कहां से बग इतने भरे हुए हैं। मिडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक फिर से मिला है सेम ओवर में, और लॉफ्टेड खेल दिया है, कितनी दूर जाके गिरेगी। अनफॉर्चुनेटली 4 तो नहीं है, बहुत रिस्की रनिंग कर रहा था हुआ मैं। 2 रन, आखिरी गेंद, धोखा मत देना, अबे धोखा मत दे यार, गेम अर्ली, सही में अर्ली था ये, मुझे नहीं लग रहा भाई कि अर्ली था, कुछ गड़बड़ है भाई, गड़बड़ गेम वाली गड़बड़ चालू यार। सिर्फ एक ही पोजीशन से है सामने वाला, और ये रन ले लिया सामने से, रन ले लिया, मुझे कैच आउट लगा था ये। गोटू अच्छा खेल रहे हैं, हमसे आगे निकल गए, गेंदे भी हमसे, ओ बैट है जाइए, अच्छा कीपर आए नहीं कैरी करने, लेट शॉट, स्विप शॉट की तैयारी, बट धोखा नहीं होना चाहिए बस, बाकी सब ठीक है। अबे ये क्यों, ये क्या है, वाइड भी थी अगर देखा जाए नियम के हिसाब से, अगर कि पैरों से दूर जा रही है गेम दूसरी दिशा में, फिर मन तो कह रहा है थोड़ा लेग स्टंप आ जा, गेंद खेल दिया ऊंचा, खेल दिया ऊंचा, सारे ऊंचे शॉट सिंगल, मैक्सिमम डबल आ रहा है, और सही है ऐसी डिफिकल्टी होनी चाहिए। 34 रन, एक बढ़िया सा ड्राइव लगा दो, ओ हो कीपर ने रोक लिया, वाइड होना चाहिए हाइट का भी और डिस्टेंस का भी। नो बॉल वार्निंग, ये बात, गेंदबाज प्रधान वो भी स्पिनर, 36 में 58 का चेस, स्क्वायर कट भाई, कब बीट होगा फील्डर। अबे यार मैं तो टुक टुक बना दिया, मुझे गो टू के 50 होने वाले हैं। ये मेरे 5 चौके थे वो शुरू में जो लगे बस वही। अरे बाप रे, 13 रन मार दिए इस बंदे ने, मैच को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। हम अभी भी सिंगल्स पे अटके हैं, थोड़ा रिस्की रन ले लूं, दौड़ गया हूँ दौड़ गया हूँ। अरे बेचारे गोटू को, मैं अपना 50 करने के चक्कर में हूँ, गोटू को पवेलियन भिजवा देता अभी। इमरान आए हैं, डी इमरान, डी का मतलब भाई किसी को नहीं पता, एटलीस्ट अभी के लिए। स्ट्रेट शॉट, 2 का कॉल देंगे, 40s में बहुत ही चुप पहुंच चुका है, सामने से थ्रो है, अबे पूजा बच गया गोटू, ठीक है। डी का मतलब पता लग गया, दक्ष इमरान। पता नहीं किसने नाम रखा है भाई। लॉफ्टेड, ओ हो बॉलर के अंदर से निकल गई थी गेंद, मतलब काफी करीब से गई, बट इस गेम में अंदर से भी निकल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतकारी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही है बॉलिंग टीम। एजेस ड्रॉप किया यहाँ पे, अब भाई देखो एजेस लगी है कीपर के करीब से गई है तो ड्रॉप तो है ही है। 47 पे पहुंचते हुए इस पारी के साथ पार्टनरशिप कमाल की होती हुई गोटू और संगीत के बीच। अर्धशतक की तैयारी, एक शॉट दूर ऑलमोस्ट, भैया 4 भी चला जा। वो कैमरा एंगल से हमें पता नहीं लग रहा है कि ये कितना सही शॉट है कितना गलत है, टाइमिंग से देख के मैं बता रहा हूँ। ओके टाइमिंग था, बॉल टू बॉल से पहली बार कम हुआ ये मैच, और अर्धशतक को पूरी तरह से इंजॉय करूंगा मैं। पहला ही मैच 18 नंबर की टी शर्ट पहली बार पहनी मैंने क्रिकेट गेम में,
हाँ मुझे नहीं याद आ रहा, 19 ही पहनी थी यार मैंने, पता नहीं किसने 19 ले लिया। सीधी सी बात है भैया कि अब मैच को खत्म करना है। अरे देख के लेकिन थोड़ा बहुत WCC3 की याद दिला रहा है ये गेम। बैकफुट, अर्ली टाइमिंग स्लो हो जाते हैं जिससे उसमें परफेक्ट मिस हो जाता था। ओवर बढ़िया बढ़िया गेंद, इस बार दम है, इस बार दम है शॉट में, फील्डर दूर है, स्ट्रेट से मिल गया चौका, ओवर की हुई है समाप्ति भाई, फिनिश करो, हो गया इनफ, गुड भैया एंड करो गेम को। अगला ओवर पता नहीं जिस रिदम में मार रहे हैं, 13-14 रन तो मार ही लेते हैं देखो। नहीं भैया 4 रन बाकी है 12 गेंदों में, और गो टू भैया पवेलियन जा चुके हैं, मैं इस बार 2 दौड़ाऊंगा भले। अरे रे 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 रे, चलो ठीक है, रनिंग ऑन स्ट्राइक और रन से तो कुछ अलग ही लेवल की होती हुई। लास्ट 2 रन कैसे फिनिश होगा भाई, चौका छक्का सिंगल डबल, लाइव होता तो पोल डालता। बाकी 11 में 2 कैसे करेंगे फिनिश, लॉफ्ट हिट पे क्लिक है, 57 पे खेल रहे हैं दक्षिमरान, यॉर्कर फ्लैग मार दिया, 2 दौड़ाना ही है बेचारे को, बकरा बनाया है, ड्राइव करेंगे डायरेक्ट तो मिस कर दिया, डबल के साथ जीतते हुए हम लोग अहमदाबाद, और संगीत के नाम आती हुई पहली जीत डोमेस्टिक क्रिकेट करियर मोड की। अभी तो मतलब अभी तो डोमेस्टिक क्रिकेटर ही हैं, तो डोमेस्टिक क्रिकेट करियर की इस वक्त हाइलाइट्स पे स्किप करेंगे। मैन ऑफ द मैच कौन ले गया, गोटू, अच्छा हाँ गोटू ने अच्छा खेला है भाई, इससे मैं ये अधिकार मैं उससे नहीं छीन सकता। तो रियाज गोटू नाम है, रियाज अच्छा, वो कियाश नहीं था, नहीं तो फिर तो अलग ही हो जाता ये, तब तो अच्छा लगता मेरे को ये सब कुछ चीजें। अरे क्या ग्राफिक्स लग रहे हैं यार, लेफ्ट साइड में कुछ ज्यादा ही ब्लर कर दिया, वो हिस्सा को ब्लर करने की जरूरत नहीं थी, बाकी स्क्रीन सेम ही है जैसा पिछली बार का अपडेट था वैसा ही, एग्जैक्ट वैसा ही है। और कैलेंडर आप देख सकते हो, टीम्स देख सकते हो, सेटिंग्स मुझे कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहे यहाँ पे, रैंकिंग वैंकिंग के ऑप्शन है, फैटिंग मैनेजमेंट है, मतलब वही सब चीजें कर सकते हो आप जो पिछली बार कर सकते थे, फैंसी रिट्रीट स्पा करा सकते हो, और एनिमेशन भी उसमें कुछ भी बदला नहीं है यहाँ पे, बाकी कैलेंडर सेटिंग, हाँ सेटिंग है ये रही, सेटिंग से रही मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही घुमा देता था। बाकी नेक्स्ट मैच भाई आपको अगले मैच अगली वीडियो में दिखाई देगा, जहाँ पे हम लोग आई थिंक हाँ जयपुर के साथ खेलने वाले हैं, 50 ओवर का मैच, तो देखते हैं वहां पे क्या रिजल्ट आता है। बट ये है करियर मोड, ये है मेरा करियर कैरेक्टर, कैसा लगा कैरेक्टर भाई, क्या मुझे बदलना चाहिए, क्योंकि अभी हम शुरुआत के वक्त में हैं, अभी हम बदल सकते हैं कैरेक्टर को, एक बार कुछ वीडियोस बन गए तो फिर भाई मेरे ख्याल से बदलना गलत होगा। अभी भी मैं चाहूं तो एक नया करियर मोड शुरू कर सकता हूं क्योंकि एक ही मैच खेला है, बट कैरेक्टर की डिजाइन कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं, और प्लीज लाइक द वीडियो ताकि मैं जल्दी लाऊं वीडियो, ऐसे भी मैं बाकी वर्ल्ड कप मैचेस फॉलो नहीं कर रहा सिवाय इंडिया के, तो काफी टाइम है हमारे पास करियर मोड फॉलो करने का। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप देखना चाहते हो ऐसी वीडियोस तो।